संभल में समाजवादी पार्टी के नेता और उसके बेटे की हत्या की गई है। दिनदाड़े गोली मारकर की हत्या की गई है। हत्या की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। तस्वीरों में आप देख पाएंगे, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हथियारबंद कुछ लोगों ने पिता और उसके बेटे को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मामला बैजोई थाना क्षेत्र के फतेहपुर शमसोई गांव का है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। दो लोग गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद बेसुध पड़े दो लोगों को देख सकते हैं जिनकी गोली लगने से मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संभल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बैजोई थाने के फतेहपुर शमसोई गांव की यह घटना है। फतेहपुर शमसोई गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आज सुबह प्रधानपति और समाजवादी पार्टी नेता छोटेलाल दिवाकर अपने बेटे सुनील के साथ गांव में मनरेगा की जमीन देखने गए थे, तभी गांव के चार दबंगों ने प्रधान और उसके बेटे को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक प्रधान और आरोपियों में मनरेगा के तहत बन रही सड़क को लेकर कल भी विवाद हुआ था। दोनों में प्रधान सुझाव की रंजिश भी चली आ रही थी। प्रधान चुनाव को लेकर के रंजिश पहले से चली आ रही थी। दिनदाड़े हुए डबल मर्डर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपराधी देखिए कितने बेखौफ हैं। ये तस्वीरें देखिए, गोलियां चलाते हुए साफ तौर पर तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। न्यूज़ स्टेट पर आप उन हथियारों को देख सकते हैं जिन पर गोलियां चलाने का आरोप है। गोली चलाते हुए तस्वीर कैमरे में कैद हुई है। प्रधानपति और प्रधान के बेटे की गोली मारकर के हत्या कर दी गई है। मौके पर फौरन से SP पहुंचे दल बल के साथ, और अब खबर है कि IG भी मौके पर पहुंचे हैं हालात का जायजा लेने के लिए। गांव के चार लोगों पर ही हत्या का आरोप लगा है। जो ही थाना क्षेत्र के शमसोई गांव में एक मनरेगा की सड़क बन रही थी जिसको लेकर के पूर्व प्रधानपति और सविंदर नाम के व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ। यहां पे फायरिंग हुई जिसमें दो व्यक्ति की गोली लगी है। मौके पे मृत्यु हुई है जिसमें एक छोटेलाल दिवाकर और दूसरा सुनील उसका पुत्र है, इन दोनों की मृत्यु हो गई है। इन दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तहरीर लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। 3 टीमें बनाई गई हैं, गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है तत्काल। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही से मर्डर हुआ, इसको भी जाँच का विषय जांच किया जाएगा। तो पूर्व प्रधान पति और बेटे की हत्या से सनसनी फैल गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी में बेखौफ हैं बदमाश, एक बार फिर से इस वारदात ने साबित किया है। दिनदाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से गोलियां चलाई गई, किस तरीके से दो लोगों को मार डाला गया, गोलियों से भून डाला गया। आप तस्वीरें बाईं तरफ देख सकते हैं। दाहिनी तरफ इस वारदात के बाद जब पुलिस को खबर दी गई तो पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची है। हमारे सहयोगी दीपक फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, क्या जानकारी अभी तक जुटाई जा सकी है और क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है? देखिए, पूरे हत्याकांड का करीब 6 से 7 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी पुलिस के हाथ जो है खाली है। पुलिस ने अभी तक यही दावा किया है कि इस घटना से संबंधित कुछ लोगों को हमने उठाया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और मौके पर जो है मुरादाबाद मंडल के IG रमेश शर्मा वो खुद मौके पर हैं। और बड़ा सवाल ये है कि लगातार जो है जिस तरह से जानकारी आ रही है निकल करके, जो ग्रामीण बता रहे हैं कि पुलिस को पहले भी जो है बताया गया था लेकिन पुलिस ने जो है इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आज जो है सुबह जो बैजोई थाना क्षेत्र का फतेहपुर शमसोई जो गाँव है तो वहाँ पर जो है मनरेगा की सड़क को लेकर के जो मौजूदा ग्राम प्रधान पति हैं वो अपने पुत्र के साथ जो है सड़क पे देखने के लिए पहुंचे थे। और जो है आज फिर से जो है जो गांव के जो दबंग हैं और जिसमें की चुनावी रंजिश भी इसको देखा जा रहा है और जो बर्चस्ती भी जो लड़ाई है वो भी इसमें सामने आ रही है, उसी को लेकर के आज जो है कहासुनी हुई। कहासुनी को लेकर एक बार तो ये लगा था कि सब कुछ निपट चुका है क्योंकि आरोपी जा रहे थे, तो कुछ ना कुछ वीडियो में देखा जा रहा है कि लग रहा है कि आरोपियों को उकसाया जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो, इस तरह से तो जिस तरह से वीडियो बता रहा है हमने देखा है उसको। तो उसके बाद जो है आरोपी वापस लौटे हैं और जो है गोली मार दी गई है उनको, जिसके बाद जो है अफरा तफरी मच गई है और पुलिस मौके पर भी पहुंची है और जिसके बाद SP भी मौके पर पहुंचे थे। और फिलहाल जो है पूरे घटनाक्रम में कई लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ जारी है। फिलहाल जो है मुख्य आरोपी है वो अभी फरार हैं। जी शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।